आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कपड़ों पर जीएसटी दर बढ़ाने का मुद्दा छाया रहा। जीएसटी परिषद ने सर्वसम्मति से कपड़ा पर जीएसटी में 5% से 12% की बढ़ोतरी को टालने का फैसला किया है। भविष्य के रोडमैप के लिए परिषद की अगली बैठक में इस मुद्दे पर फिर से चर्चा की जाएगी। दरअसल 1 जनवरी 2022 से टेक्सटाइल और जूतों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी लगने जा रहा था। राज्य सरकारों से लेकर इन क्षेत्रों से जुड़े उद्योग और कारोबारी इसका विरोध कर रहे थे। माना जा रहा है कि इसे देखते हुए जीएसटी दर बढ़ाने का फैसला टल गया है। परिषद की 17 सितंबर को हुई पिछली बैठक में फुटवियर और कपड़ों पर जीएसटी दर संशोधित करने का फैसला लिया गया था। मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने आपात बैठक में कपड़े पर कर की दर बढ़ाकर 12% नहीं करने का निर्णय लिया है, कर 5% ही बना रहेगा। उनका कहना है कि राज्यों के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी दर को युक्ति संगत बनाने पर विचार के लिए फरवरी तक का समय दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ गुरुवार को हुई बजट पूर्व बैठक में भी कई राज्यों ने कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी दर बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर विरोध जताया था। गुजरात ने कपड़ा उत्पादों पर बढ़ी हुई दर को स्थगित करने की मांग रखी थी। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बैठक में कहा था कि इससे पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा, साथ ही यह फैसला आम आदमी के अनुकूल नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि टेक्सटाइल पर 5% की जीएसटी ही लगनी चाहिए। इस मांग का पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों ने भी समर्थन किया है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।